नमस्कार किसान भाइयों, आज 855 दिखा रहे हैं और 855 बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसी धार नहीं देखी होगी। कल्टीवेटर बिल्कुल नीचे मिला रखा है, हंस वालों का कल्टीवेटर है और धनाधन चल रहा है भाई। भी ऐसे हैं कि दम निकल जाए ट्रैक्टर का, पर भाई छोड़ू मैं भी ना हूँ, पूरी भड़ताली करूंगा जुताई। हल्का सा धुआं दिखा रहा है ट्रैक्टर, हालांकि पुराना ट्रैक्टर है। सामने रोड पे से जा रहा था, मगर भाई वीडियो जरूर बनाएंगे इसकी। देखो कल्टीवेटर पूरी गहराई ले रहा है और कल्टीवेटर जो खड़ी वाली स्प्रिंग है उसका, खड़ी वाली जो स्प्रिंग आती है वो कल्टीवेटर है हंस वालों का, तो इसमें पूरी टाइन अंदर जा रही है, थोड़ी सी ऊपर खड़ी है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई 855 ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर तो 9 का ही है, लेकिन 9 के कल्टीवेटर पर लोड ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप इसी एग्जाम्पल को करके देख लेना। अगर आप 55 HP या 50 HP का ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसी ट्रैक्टर के ऊपर सेम कंपनी का 11 टाइन का या 9 टाइन का कल्टीवेटर चला के देख लेना, 11 के पे ट्रैक्टर आपका खुल के और बढ़िया चलेगा। 9 के पे लोड थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, छोटे इम्प्लीमेंट पर लोड ज़्यादा पड़ता है जितना वो काम निकालता है उसके अनुसार। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर में चाल बहुत ज़्यादा है, 14 के टायर वाला ट्रैक्टर है, पता नहीं चलती कि कब यहाँ से और वहाँ तक पहुँच गया। अब देखो मुड़ने वाला है, और 855 ट्रैक्टर या फिर स्वराज का कोई भी ट्रैक्टर, इनमें चाल की कमी नहीं है। चाल की कमी किसानों को वहाँ लगती है जहाँ पे उन्हें रोटावेटर चलाना है, रोटावेटर जैसी एप्लीकेशन, यानी कि आज के दौर में जैसे 2-speed ट्रैक्टर चल रहे हैं उसके हिसाब से जो समय की मांग है उनके हिसाब से कहीं ना कहीं इन ट्रैक्टरों में कमी है। लेकिन अब जैसे 3-speed ट्रैक्टर लॉन्च हुए हैं तो फिलहाल ठीक है मामला। तो किसान भाई से भी जानकारी लेंगे, पूरी लाट मार रहा है ट्रैक्टर, देखो अब भाई पूरा हकदा कर रखा, और ट्रैक्टर लगभग 200 RPM ड्रॉप करके चल रहा है। ये भी ऐसे हैं कि दम निकल जाए ट्रैक्टर का, पर भाई छोड़ू मैं भी ना हूँ, पूरी भड़ताली करूंगा जुताई। हल्का सा धुआं दिखा रहा है ट्रैक्टर, हालांकि पुराना ट्रैक्टर है। अरे गन्ने भी ऐसी डाले हैं, 100-100 क्विंटल ले जाऊं, पूरी गहराई में चल रहा हूं मैं, नू देखूंगा जैसे इतनी गहराई में चल रहा है तो स्प्रिंग हिल रही है नहीं। भाई थोड़ी सी स्प्रिंग दब रही है, ज़्यादा तो दब नहीं रही, थोड़ी सी दब रही है, लेकिन इनका कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरा दमादम चल रहा मामला। ओए होए भाई ट्रैक्टर का भी दम ही काट दिया। अब ये थोड़ी सी वाइब्रेशन कर रही है, लिफ्ट जैसा स्वराज की करती है, जो किसान भाई चलाते होंगे उन्हें पता। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये रोकनी है जो ये वाइब्रेशन है, जैसे ऐसा करती है इसकी लिफ्ट चलती चलती जल्दी जल्दी, जैसे देखो यहाँ तक भी आवाज़ आ रही है, सुनो, तो ये रुकेगी ऐसा कि आप जैसे सबसे ऊपर वाली हॉल में आपने टोपलिंग लगाई हुई है ट्रैक्टर की तरफ से, तो उधर से दूसरे नंबर के हॉल में लगा लो, आपकी ये जो वाइब्रेशन है बंद हो जाएगी और ट्रैक्टर बढ़िया चलेगा आपका। काफ़ी जानकारी हमने काफ़ी वीडियो में दी है, लेकिन किसान भाई वीडियो ध्यान से देखते नहीं या फिर बीच में छोड़ कर भग जाते हैं। तो भाई स्वराज का आज 855 दिखाया है, और किसान भाई अब क्या आएंगे तो अब क्या आपकी वार्तालाप भी कराएंगे थोड़ी सी। तो मैं किसान साहब की वार्तालाप कराता हूँ एक बार, और देखो लाट सुनो ट्रैक्टर की, मंदा कर लो। राम राम जी, ठीक हो? एक बार अपने बारे में बताओ, गांव का नाम, अपना नाम। हमारा गांव बटौना, विजय नाम है। विजय नाम है, और मंदी ना हो गए रेस? तो ट्रैक्टर कब से चला रहे हो? ट्रैक्टर 20-22 साल यू ही ट्रैक्टर चला रहे हो, बदला बीच में कोई ना? यू तो ट्रैक्टर तो तुमने तकड़ा ही चला रखा हो। मैं तो हंसा उड़ के, मगर इनकी वीडियो जरूर बनानी है। अच्छा ये टीलर लिया है? टीलर लिया। तो ये टीलर में खास बात लगी कुछ? खास बात ही लोड फ्री है, इतना खतरा लोड कम है तो कंपनी को सस्ता तो करना चाहिए, थोड़ा महंगा जा रहा है। महंगा बहुत है, 41,000 रुपये। 41,000? 35 का होना चाहिए, 35,000 का होना चाहिए। बाकी ट्रैक्टर में कुछ मॉडिफिकेशन करवा रखी थी क्या? इतना जोर कैसे लगा रहा है? कुछ भी ना, 2006 मॉडल है। नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। 100-100 क्विंटल गांडे काटो तुम खेत में, देख रखे हो? ठीक है। देखो जी लीवर भी काफी डाउन है, लाल वाला स्वराज का नहीं, ज्यादातर यही चला है पीछे। बहुत डाउन कर डूंगर का ट्रैक्टर तकड़ा, महेंद्र तुम्हारा तकड़ा सही में। ये देखो जी, अब का मैंने दूसरे हॉल में लगवाई है टोपलिंग,
कल्टीवेटर की गहराई बढ़ गई पूरी। तो किसान भाई ने बढ़िया जानकारी दी है। ओए होए, तो ये देखो आज इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है और पूरे लागू तरीके से खेत जोत रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।